गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस अगेन स्नो डे में। ये अब हर दिन यही सुनने को मिलेगा। सुबह सुबह उठ के हमें ये नजारा मिला, इतना उजाला है कि आप लोगों को दिखेगा भी नहीं ठीक से, जूम करना पड़ेगा मुझे। और आज येशा की छुट्टी है, ये छुट्टी 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 छुट्टी। इनके स्कूल में ना प्रोडी डेज होते हैं, बेसिकली टीचर्स की ट्रेनिंग होती है तो बच्चों के लिए छुट्टी होती है। आज बहुत अच्छी बात है कि इनकी छुट्टी है। सुबह सुबह कल ही इतनी अच्छी धूप निकली थी, पूरा स्नो मेल्ट हो चुका था और छुट्टी का हमने पूरा पूरा फायदा उठाया। आज बहुत आराम से उठी हूँ, अनुज एयरपोर्ट पे है और फोन किया, बोलते तुम लोग अभी तक सो रहे हो? इसका बस बस आराम किया जा रहा है। ब्रेकफास्ट के लिए उत्तपम, लंच के लिए उत्तपम, डिनर के लिए उत्तपम। केयूष को आजकल उत्तपम का एडिक्शन हो गया है, उसको जब भी पूछो क्या खाना है, उत्तपम उत्तपम उत्तपम। Hours from dawn as I'm driving at night, waiting to get somewhere. What can go wrong when we say it out right? केयूष येशा, ये लो उत्तपम 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 उत्तपम। ये आपका। People seem to know just where they're heading, while you and I just feel like we're pretending. I can't do it on my own when I'm this far away from home. Tell me something good, won't you tell me something good? आप लोगों को बहुत शिकायत थी सुची तुम साड़ी नहीं पहनती हो, तो देखो आज मैं बिल्कुल साड़ी में तैयार हो गई हूँ, लग रही हूँ ना बिल्कुल बंगाली बहू। और ये मम्मी ने दिया था, इसको शाखा बोलते हैं, ये पोला, और ये भी मेरी शादी के टाइम का है, चूर बोलते हैं इसको। काफ़ी हैवी है बट बहुत ज़्यादा प्रिटी है और मैं हमेशा नहीं पहन पाती, इसको संभाल के रखा हुआ है। मेरी काफ़ी शादी की ज्वेलरीज इंडिया में ही रखी हुई है मैंने, यहाँ पे नहीं लाया है, बट ये मेरे साथ हमेशा घूमता रहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये नेकलेस इयररिंग का सेट भी शादी के टाइम का है, मौसी ने दिया था। जब आप लोग ये ब्लॉग देख रहे हो तो मंडे है, दशहरा हो चुका है, तो हैप्पी दशहरा, हैप्पी दुर्गा पूजो, शुभो विजया, बड़ोदेर प्रणाम, छोटोदेर बंधुदेर अनेक अनेक भालोबाशा। ये वाली साड़ी मम्मी ने दी थी जब वो एडमिंटन आए थे, केयूष होने वाला था, जैसे गोद भराई होती है ना, तो वैसे ही शगुन की साड़ी वो लेके आए थे ये वाली। और वो आए थे जस्ट एक दिन पहले, केयूष के होने के एक दिन पहले वो यहाँ आए थे, और फिर उसी दिन मैंने सारी तैयारियाँ करके रखी थी, शाम को पहुँचे थे वो, फिर मैंने जल्दी जल्दी ये वाली साड़ी पहनी और जो शगुन का वो खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, वो हुआ था। और येशा के टाइम की भी साड़ी है, मैंने बोला था ना हर साड़ी के साथ एक मेमोरी है, तो वो कभी और दिखाऊंगी और कभी और उसकी स्टोरी बताऊंगी। मुझे इस तरह से देख के सबसे ज़्यादा मेरी माँ खुश होने वाली है, क्योंकि उनको हमेशा रहता है कि मैं साड़ी नहीं पहनती, बट क्या करूँ, आई नो मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती, कुकिंग करनी होती है, इतना सारा काम करना होता है। बट आज मैंने सोचा कि येशा की छुट्टी भी है, कहीं बाहर नहीं जाना है, अनुज भी आने वाले, उनके लिए भी सरप्राइज हो जाएगा, डेफिनेटली उनको अच्छा लगता है मुझे साड़ी में देखना। और मुझे हमेशा कमेंट आते हैं कि सुची तुम बंगाली हो, बंगाली नहीं लगती हो। एक्चुअली मैं हिंदी बहुत क्लियर बोलती हूँ, मैं बिहार में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, मुजफ्फरपुर में। पापा स्टेट बैंक में थे, तो जब रिटायर हो गए हैं उसके बाद वो कोलकाता शिफ्ट हुए हैं, तो कोलकाता में एज सच रही नहीं हूँ। घर पे डेफिनेटली हम बंगाली में ही बात करते थे, बट स्कूल में फ्रेंड सर्कल सबके साथ हिंदी में, हिंदी मेरा सब्जेक्ट भी था तो इसीलिए हिंदी अच्छी है। आई नो जब कोलकाता में रहने वाले हिंदी बोलते हैं तो उनकी हिंदी बहुत डिफरेंट लगती है, स्पेशली था और थी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और शायद इसीलिए मुझे देख के, मेरी बातें सुन के आप लोगों को ये नहीं लगता कि मैं बंगाली हूँ, बट मैं पूरी बंगाली हूँ, यहाँ से दिल से बिल्कुल बंगाली हूँ। और दुर्गा पूजा, अब मैं क्या कहूँ, जो बंगालीज हैं उनको कहने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दुर्गा पूजा का नाम सुनते ही याद आ जाता है, धुनुची नाच, कपूरेर सुगंधो, माँ के दर्शन, पूजा मंडप, चाट पापड़ी खाना, गोलगप्पे खाना, दोस्तों के साथ खूब सारी मस्ती करना, खिचड़ी भोग, और न जाने कितनी सारी यादें हैं, नए नए कपड़े,
एक्चुअली बंगालीज के लिए दुर्गा पूजा जस्ट एक पूजा नहीं है, एक सेलिब्रेशन है, एक फेस्टिवल है जिसका हम पूरी साल इंतज़ार करते हैं। और इस दुर्गा पूजा, इस नवरात्रि, आई एम श्योर हर कोई माँ दुर्गा से यही प्रार्थना कर रहा है कि जिस तरह से उन्होंने महिषासुर का वध किया, ये कोरोना वाला जो महिषासुर है, राक्षस है, ये भी जल्दी से ख़त्म हो और हम फिर से अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जा सके और अगले साल माँ दुर्गा का और भी जोर शोर से पूरी खुशी के साथ स्वागत कर सके। चलिए तैयार हुई हूँ, दुर्गा पूजा है, पति भी आने वाले हैं, तो एक अच्छी सी बंगाली स्वीट बनाते हैं। आज जो मैं बना रही हूँ उसको छाना और पायश बोलते हैं। छाना मतलब पनीर और पायश मतलब खीर, तो पनीर का खीर। यह काफी होमली मिठाई है, लाइक दुर्गा पूजा के टाइम तो काफी सारी मिठाइयाँ मिलती हैं, बनाते हैं लोग, उनमें से एक ये भी है। और हर एक घर में ये जो छाना और पायश है ना, ये अलग अलग तरह से बनता है, अपना अपना ट्रेडिशन होता है। यहाँ पे खीर बनाने के लिए दूध को बॉईल कर रही हूँ, तो बेसिकली दूध को उबाल उबाल के गाढ़ा करना है। जितना गाढ़ा होगा उतना अच्छा टेस्टी बनता है ये, जैसे जनरली चावल की खीर में करते हैं हम। और पूरे टाइम इसको स्क्रेप करना होता है ताकि साइड से जो भी मलाई लग रही है वो दूध में मिक्स हो, उसी का टेस्ट आता है और नीचे से जल ना जाए। और यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ पनीर बनाने के लिए। दूध में बॉईल आ चुका है, गैस बंद कर दिया है और पनीर बना रही हूँ आज मैं नींबू का रस डाल के। यहाँ पे पनीर बन गया, इसको अच्छे से धो लेना है ताकि नींबू का पूरा स्मेल चला जाए। पनीर को थोड़ी देर ऐसे ही हाथ से मिक्स करना है ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए, कोई भी लंप ना रहे। फिर छोटे छोटे इसके बॉल्स बना लेंगे। दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया, अभी थोड़ा और गाढ़ा करूँगी और चीनी डाल रही हूँ। इतने से दूध के लिए मैंने अराउंड हाफ कप चीनी डाला है। अब गैस को ऑफ करके फिर ये बॉल्स दूध के अंदर डालना है, फिर लो फ्लेम पे इसको कुक होने देंगे। तो बस लो फ्लेम पे बॉईल होते देना है ताकि थोड़ी देर पनीर भी कुक हो जाए और दूध भी और ज्यादा गाढ़ा हो जाए, बट बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी होती है कि पनीर को अच्छे से धोना है ताकि उसमें से पूरा जो नींबू का इफेक्ट है ना वो चला जाए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी नींबू का अगर टेस्ट या फिर रस रह जाएगा ना, फिर जो ये खीर वाली दूध है वो फट जाएगी और आपकी पूरी खीर खराब हो जाएगी। काफी लोग जस्ट पनीर को क्रम्बल करके डाल देते हैं या फिर पहले इसका रसगुल्ला बनाते हैं चाशनी में डाल के फिर दूध में ऐड करते हैं, तो वो ज्यादा लाइक रसमलाई वाली टेस्ट आती है, बट मैं ऐसे बनाती हूँ। ये देखो पनीर के बॉल्स थोड़े थोड़े फूल गए हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर, इसमें पिस्ता जरूर डलता है पर मेरे पास जो पिस्ता है ना वो थोड़ा सॉल्टेड है, तो इसलिए मैं बस आलमंड और काजू डाल रही हूँ। थोड़ा सा केसर भी डाल लिया जाए। केसर आप लोग पूछे थे मैंने कहाँ से लिया था, तो कॉस्को में मिलता है, ये किर्कलैंड कॉस्को का ही ब्रांड है। और इसको बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये फिर से गाढ़ा हो जाएगा, और ये वाली खीर ना ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लगती है, लाइक बिल्कुल ठंडा कर लो, फ्रिज में रख दो और फिर खाओ, मजा आता है। नमो मोही शुंगिनी महा माये चामुंडि मुंडु मालिनी आयरा रुग्गु विजयम देहि देवी नमोस्तु ते मा दुर्गाय। येशा को नवरात्रि बहुत पसंद आया क्योंकि उसको रोज दिन अलग अलग स्वीट खाने को मिला है ना। डैडी माइट बी हैप्पी फॉर डैडी लव स्वीट एंड बाटो एंड दे आर इवन होममेड सो जीजी प्लांट से बात कर रहे हैं। गुड क्वेश्चन, प्लांट्स गर्ल होते हैं या बॉयज होते हैं? नहीं, बट फ्लावर्स आते हैं उसमें से सीड्स आते हैं ना, तो गर्ल्स होते हैं। वो मामा, वी जस्ट नोटिस्ड वन प्लांट दैट इज अ मॉम, दिस वेजिटेबल।
स्पाइडर प्लांट, हाँ क्योंकि उनके बेबीज आते हैं. Yes. स्पाइडर प्लांट से बेबीज आते हैं, सारे जीजी प्लांट से भी तो आते हैं, न्यू प्लांट. मैनेजर कुछ कुछ चल रहा है अभी, इनकी मस्ती चलती रहेगी. मैं बस अभी पूजा करके आई हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर चाय मखाना खाऊंगी और फिर लगूंगी लंच की तैयारी में. अभी हो रहे हैं 12:30 और 3 बजे तक अनुज आ जाएंगे. और लास्ट 2-3 दिन से वो बस बाहर का ही खाना खा रहे हैं, कुछ भी ढंग का खाने को नहीं मिला है, जूस ब्रेड जैम यही सब. और अनुज को घर का खाना पसंद है, वो उनको ऑप्शन दो ना कि बाहर का खाना, रेस्टोरेंट का खाना और घर का सिंपल सा खाना, वो घर का ही खाना चूज करेंगे. तो 3 दिन से कुछ खाया नहीं है ढंग का, तो मैंने सोचा पूरे अच्छे से लंच बना देती हूँ और चाय भी नहीं पी है 3 दिन से. तो मुश्किल तो होता है यहाँ पे बाहर जाओ ना, तो स्पेशली अगर छोटी जगह पे जाते हो तो वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं होंगे, तो आपको कुछ भी इंडियन नहीं मिलेगा. A smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future, you need space. सिंपल सा दही आलू बना रही हूँ. आलू बॉईल करके रख लिया था, इसके छोटे छोटे पीसेस कट करके थोड़े से तेल में इसको फ्राई कर लूंगी नमक के साथ. और दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा घी, जीरा, तेजपत्ता, फाइनली चॉप जिंजर और ग्रीन चिली, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर. आलू भी हल्का ब्राउन हो गया, इसको बंद कर देंगे. थोड़ा सा गर्म पानी ताकि मसाला ना जले. दही में पानी डाल के अच्छे से विस्क कर लिया है. नमक और फिर ये आलू ऐड कर देंगे और लास्ट में कसूरी मेथी. दही आलू रेडी है, दाल भी बॉयल हो चुका है, बस छौंक लगाऊंगी. और घी की सब्जी भी बना रही हूँ, बट वो व्रत वाले बनाऊंगी तो कोई मसाला ऐड नहीं करूंगी, बस जीरे का तड़का और सेंधा नमक. खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है. दही वाले आलू, घिया, मूंग की दाल, राइस और आटा भी गूंद के रख दिया है. गरम गरम रोटी बन जाएगी और मीठा तो है ही, तो बस अब पति का इंतजार. और बाहर देखो धूप निकल गई है, स्नो तो वैसे ही है, अभी इतनी जल्दी नहीं मेल्ट करेगा क्योंकि टेम्परेचर तो कम ही है, बट धूप देख के एटलीस्ट अच्छा लगता है. ये आ गई डैडी की गाड़ी. टच नहीं, टच नहीं, हगी भी नहीं. स्वागत है. अब मैं साड़ी पहन के जा रही हूँ स्नो में. काजोल के जैसे, काजोल के जैसे शिफॉन साड़ी पहन के. Would you follow me to wonders? Take my hand. I meet you, sweet boy. कितने दिनों बाद. सूप से गुजारा कर रहे थे पापा. हो सूप ब्रेड सूप. हाँ बेटा, जब घर का खाना नहीं मिलेगा ना तब पता चलेगा. नमक यशा से मैंने टेस्ट करवाया है, ठीक है मिर्ची. मिर्ची मैंने आलू में डाली है. अरे क्या बात, ये तो इसको बोलते हैं रसमलाई. छोटा भाई, हाँ छेनार पायस बोलते हैं इसको. आज सारा कुछ यशा ने टेस्ट करके मुझे बताया कि मम्मा इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर दो, उसमें नमक ऐड करवाया एक. वेरी गुड, गुड गर्ल. सही, अति उत्तम, अति उत्तम. चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इंजॉय किया होगा. थम्स अप जरूर चाहिए मुझे इस ब्लॉग पे, इतनी मेहनत से साड़ी पहनी है, इतना अच्छा एक मीठा बनाया है ना. तो जल्दी जल्दी भर भर के लाइक देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए. इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा.
और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी. तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज. बाय बाय. With your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it.